दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आज की वीडियो है ना पर्टिकुलर रियलमी के बारे में नहीं है, रियलमी ब्रांड को लेके ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो है रियलमी के दो स्मार्टफोन जो कि लेटेस्ट है, रियलमी 8 और रियलमी 8 प्रो के लिए। तो इस वीडियो को हम रियलमी के ब्रांड के रूप में नहीं देखेंगे, इस वीडियो को हम देखेंगे दो प्रोडक्ट जो कि रियलमी के हैं, इन्हीं के बारे में आज हम कंप्लीट बात करेंगे कि टॉप 5 रीजंस क्या है इसी स्मार्टफोन के फ्लॉप होने के, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम फोन लेने जा रहे हैं, शायद हमारा डिसीजन यहाँ पे बिल्कुल 100% गलत हो सकता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। सबसे पहले यूजर्स के अंदर है ना, मार्केट के अंदर रियलमी 8 और 8 प्रो को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा इसलिए है क्योंकि हम जब सीरीज की बात करते हैं ना 7 प्रो 8 प्रो, तो फिर हम एक उम्मीद रखते हैं कि कंपनी कुछ ना कुछ यहाँ पर अपग्रेड करेगी। यहाँ पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। देखिए टॉप 5 रीजंस, यहाँ पर दोस्तों 5th नंबर जो रीजन है ना वो यहाँ पर निकल के आता है बिल्ड क्वालिटी का। ठीक है, अपनी प्राइस सेगमेंट को देखते हुए जो बिल्ड क्वालिटी है वो ऑन एन एवरेज काफ़ी अच्छी है, लेकिन कॉपी लगती है। क्लियर बात करूँ यहाँ पे तो ओप्पो F17 जो आया था ना उसकी कॉपी लगती है, मोटो का एक फ़ोन आया था बिल्कुल उसकी कॉपी है, जहाँ पर जो क्वाड कैमरा सेटअप्स है ना वो इतने ज़्यादा मुझे यहाँ पर खास नहीं लगे। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो आपको दे रखी है, उस पर भी इतना ज़्यादा मतलब फोकस नहीं आया यूज़र्स का, क्योंकि ये फ़ोन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में आते ही फ्लॉप हो चुके हैं। नंबर 4 की अगर आपसे बात करूं, देखिए दोस्तों यहां पर है ना 5 4 3 2 1, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको टॉप रीजन और एकदम कम वाला रीजन मिल रहा है, जस्ट एक नंबर है। अगर हम बात करें यहाँ पर डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले भी दोस्तों यहाँ पर एक तरह से अपग्रेड विद डाउनग्रेड है, क्योंकि 7 और 7 प्रो में आपको IPS की LCD मिलती थी जहाँ पर आपको 90Hz मिलता था, लेकिन यहाँ पर आपको AMOLED तो दे दी लेकिन रिफ्रेश रेट को 60Hz कर दिया गया है। दोस्तों ये यहाँ पर रियलमी ने बहुत ही एक गलत मैं कहूँगा कि डाउनग्रेड किया है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में आपको लगभग इस प्राइस सेगमेंट में आपको 90Hz तो ऑलमोस्ट फ़ोन के अंदर देखने को मिल ही जाता है। लेकिन अगर आपसे बात करूँगा ना नोट सीरीज़ की, तो वहाँ पर आपको 120Hz भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में 60Hz को दोस्तों यहां पर मार्केट के अंदर लेकर आना एक बहुत ही बड़ा डाउनग्रेड रहेगा। डाउनग्रेड की बात करें तो यहां पर नंबर 3rd पॉइंट कि ये फोन हमें लेने से पहले सोचना चाहिए, वो है इसका प्रोसेसर, इसका परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं रियलमी 8 की, यहाँ पर आपको सेम प्रोसेसर G95, और अगर हम बात कर रहे हैं 8 प्रो की, फिर से सेम प्रोसेसर रियलमी 6 प्रो में, 7 प्रो में और 8 प्रो में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 720G। ये दोस्तों दोनों स्मार्टफोन जो प्रोसेसर है ना वो एकदम रिपीट है, जहाँ पर ठीक है 7 तो एक तरह से कहूँगा कि सेकेंड जनरेशन में आया है, लेकिन 720G अगेन एक 3rd जनरेशन है जहाँ पर आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, वो भी 4G। ठीक है, लेकिन अब रियलमी ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि आपको जो है ना 5G मिलने वाला है सेम वेरिएंट के अंदर, सेम प्राइस सेगमेंट के अंदर और सेम नाम से। तो जब रियलमी खुद चला के हमें कह रहा है कि भाई हम आपको रियलमी 8 प्रो के अंदर आपको 5G देंगे, तो फिर क्या मतलब है जब हम फिर आ ही रहा है तो फिर सेम प्राइस सेगमेंट के अंदर हम थोड़ा रुक ही जाएंगे ना। ये भी दोस्तों यहाँ पर कारण है कि ये सीरीज़ यहाँ पर बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। आप जो है वीवो X60 की मैंने तीनों सीरीज़ यहाँ पर लेके आया हूँ, उनके अंदर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, लेकिन जैसे ही मैंने रियलमी 8 और 8 प्रो की वीडियो डाली, ओह माय गॉड, यूजर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ पर मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी वहाँ पर लोगों ने साफ लिखा कि वेस्ट ऑफ मनी, कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पर रियलमी 8 और 8 प्रो का। और मेरा एक्सपीरियंस भी ये कहता है, मैंने उसकी है ना कैमरा टेस्टिंग एंड बहुत सारे मैंने डाल के रखे थे, अभी उसकी गेमिंग टेस्टिंग चल रही है वो वीडियो मैं लेके आऊँगा, लेकिन मैंने कैमरा टेस्टिंग की पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी, चार्ज टेस्टिंग की पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी, मैंने अपने चैनल पर डाली ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंप्रेशंस व्यूज यहाँ पर कम होंगे, मुझे फ़ोन बर्बाद हुआ, मुझे अपना जो है ये सब कुछ यहाँ पर बर्बाद नहीं करना है इसी रियलमी 8 और 8 प्रो के पीछे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या रियलमी के अंदर इतना कुछ नहीं था कि उसने अपना एक फ्लॉप फ़ोन मार्केट में उतारा? जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, एकदम क्लियर कट बात करूँगा कि जैसे ही शाओमी ने अपना फ़ोन लॉन्च किया 108 मेगापिक्सल्स का, पीछे पीछे ही रियलमी ने लॉन्च कर दिया अपना नया स्मार्टफोन 108 मेगापिक्सल्स को दिखते हुए। हाँ ठीक है, एक छोटा वर्जन निकाला, लेकिन हमें पता है कि कंपनी हमेशा अपने प्रो वर्जन पर ज़्यादा ध्यान देती है। तो उसी के बारे में अगर से बात करूँ ना, तो बिल्कुल शाओमी को यहाँ पर टक्कर देने के लिए 108 मेगापिक्सल्स का मार्केट में निकाला और छोड़ दिया। उसकी जो क्वालिटी है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, जहाँ पर मैंने आपको अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छे से कैमरा सैंपल्स दिखाए थे, यहाँ पर भी शेयर कर दूंगा, मतलब 108 मेगापिक्सल ऐसा यहाँ पर कुछ भी लगता नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आपसे बात करता हूँ सेल्फी कैमरा की, तो वो प्रो के अंदर पहले 7 प्रो के अंदर 32 मेगापिक्सल्स का था, उसे डाउनग्रेड करके 16 मेगापिक्सल्स यहाँ पर कर दिया गया है।
व्हाट इज दिस रियलमी। अगर हम अगर एक बच्चे को भी पूछेंगे ना जिसको अच्छी खासी नॉलेज है स्मार्टफोन की 16-17 साल का, वो हंसेगा रियलमी पे कि भाई ऐसा क्यों किया। देखो रियलमी एक अच्छी ब्रांड है जहाँ पर काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन आते हैं। अगर हम बात करें X7 की, X7 Pro की, पहले जो फ़ोन आए थे काफ़ी अच्छे थे, लेकिन 8 और 8 Pro वेरी डिसअपॉइंटेड। आप पूरी YouTube देखिए, आप पूरी Google पे देखिए, आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू से ज़्यादा ऐसे ही कुछ मिलेंगे कि नहीं Realme 8 Pro नहीं है। इनफैक्ट मार्केट के अंदर मैंने ये देखा है कि Realme 8 और 8 Pro के स्टॉक्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उम्मीद ऐसी है कि बहुत ही जल्दी 5G हमें देखने को मिलेगा। अब एक बात है, जिन लोगों ने ऑलरेडी परचेज कर लिया है ना Realme 8 या फिर Realme 8 Pro, आज सपोज कीजिए कि सेम प्राइस सेगमेंट के अंदर वही सेम स्मार्टफोन 5G देखने को मिलेगा, तो जिन्होंने बाय किया उनके साथ तो धोखा ही हुआ ना। वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को उन्हें रिप्लेसमेंट देना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप एग्री हैं तो कमेंट करके बताइए कि आप मेरी बात से एग्री है या फिर नहीं, और रियलमी को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे वो बात अभी दोस्तों कमेंट्स के अंदर कर दीजिए। यहाँ पर आखिरी जो पॉइंट आता है दोस्तों वो होता है यहाँ पर प्राइस सेगमेंट को देखते हुए। यही स्मार्टफोन अगर हमें कम प्राइस में मिलते ना, अराउंड 15,000 के आसपास के, 15 के अंडर मिलते ना, तो ये स्मार्टफोन अपने जो फीचर्स है ना उसने यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ब्रांड की भी गलती नहीं है। अगर हमें 7 और 7 प्रो इस प्राइस सेगमेंट देखने को मिले थे ना, तो सीधी सी बात है ना कि नया प्रो आया है, यहाँ पर नया वर्जन आया है, तो उसकी प्राइस या तो सेम होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप प्राइस सेगमेंट को बरकरार रख रहे हो, अगर आप प्राइस सेगमेंट को बढ़ा रहे हो, तो फीचर्स की तरफ भी हमें देखना चाहिए। फीचर्स तो आपने की हैं डाउनग्रेड और प्राइस आपको चाहिए ज़्यादा, ये दोस्तों पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट मैंने आपको टॉप 5 रीजन बताए जहाँ पर बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा और प्राइस सेगमेंट, इन सभी के अंदर Realme 8 और Realme 8 Pro बिल्कुल फ्लॉप हैं। याद रखिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं Realme ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर इन दो स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ। Realme ब्रांड काफ़ी अच्छे फ़ोन निकालता आया है, लेकिन इस बार गलती कर दी। तो दोस्तों ये है वो टॉप 5 रीजन जहां पर अगर आपने Realme 8 Pro को परचेज कर लिया है या फिर Realme 8 को परचेज कर लिया है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, आपका पैसा बर्बाद। और अगर आप सोच रहे हो कि हम परचेज करें, तो फिर आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, आपको शायद 8 Pro का 5G बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। 8 Pro का नहीं तो 8 का तो आपको मतलब 100% श्योर हूं मैं कि मार्केट में आपको 5G बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर से कहूँगा दोस्तों, Realme एक अच्छा ब्रांड है, काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन बजट रेंज के अंदर निकालता है, लेकिन इस बार हम सिर्फ और सिर्फ 8 और 8 Pro की बात कर रहे हैं, Realme ब्रांड की हम बात नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोगों के क्या सजेशंस है Realme को देखते हुए दोस्तों कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आ रही है, चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।